वेलकम टू कुकिंग कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको खिचड़ी बनाना बताऊंगी। ये कोई साधारण खिचड़ी नहीं है, बहुत ही लाजवाब खिचड़ी मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार उसको खाने की इच्छा होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है और मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। 1 कप मैंने मूंग दाल ली है और आधे से कम कप मैंने चावल लिए हैं। टोटल मिलाकर मैंने 1 कप किया है। इन दोनों को हमें अलग अलग पानी में भिगोना है। मैंने इनको अलग अलग भिगो दिया है। आधा घंटा हमें इनको रखना था। आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं मूंग दाल भी जो है भीग के डबल हो गई है। इस तरह मैंने छिलके वाली मूंग दाल ही ली है। आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं। और चावल भी अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। 3 से 4 बार हमें इनको पानी में धोना है। पानी में धोने के बाद हम इनको कुकर में पकाएंगे। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, तो चलिए अब हम इन्हें कुकर में पका लेंगे। गैस से मैंने कुकर रखा है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप दोनों को मिलाकर चावल और दाल लिए हैं, तो हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और पानी को अच्छा गर्म होने देंगे। पानी निकाल कर हम दाल को इसमें ऐड करेंगे। चावल को भी इसमें डाल देंगे और अच्छा गर्म होने देंगे। बहुत से लोग तो दाल चावल को बराबर लेकर भी खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हमें दाल ज्यादा लेनी है और चावल कम लेने हैं। एक बार आप इस तरह बनाकर देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप कम ज्यादा स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर, ये भी इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं खिचड़ी जो है हमारी पकने लग गई है। आप कुकर का ढक्कन अब बंद कर देंगे। पानी को मैंने इसमें ज्यादा ऐड किया है क्योंकि ठंडी होने के बाद जो खिचड़ी है वो टाइट हो जाती है। अब कुकर को हम बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रहने देंगे और कम फ्लेम पे हम 2-3 व्हिसल आने देंगे। फिर हमें 4 से 5 सीटी लेनी है फुल फ्लेम पे। बाद में गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। खिचड़ी हमारी पक चुकी है, तो गैस को बंद कर देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, खिचड़ी को अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खिचड़ी हमारी बनी है। मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सही हमारे पानी का नाप था। ना ज़्यादा गाढ़ी हुई है, ना ज़्यादा पतली हुई है, क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है हमारे नॉर्मल खिचड़ी बनाने का प्रोसेस है। घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, तो इस तरह की खिचड़ी हम बना के खा सकते हैं। लेकिन इसी खिचड़ी को हम और टेस्ट और स्वादिष्ट बनाएंगे। उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे रखना होगा गैस पे एक पैन। तो मैं गैस पे एक पैन रख देती हूँ, कुकर को हटा लेती हूँ। खिचड़ी टेस्ट जब भी लगेगी जब उसमें हम घी ऐड करेंगे। तो गैस से मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें हम घी ऐड करते हैं। घी जितना डालेंगे उतनी ही टेस्टी होती जाएगी खिचड़ी। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड करूंगी। घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे घी मेल्ट होगा तो हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। घी गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा चटकने लग गया है तो इसमें हम ऐड करेंगे लाल टमाटर। 1 पीस इसमें हम हींग ऐड करेंगे और एक मीडियम साइज का टमाटर मैंने धोकर बारीक कट कर लिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक हरी मिर्च मैंने बारीक कट किया, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक हम इनको पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है। टमाटर और मिर्च अच्छी तरह से पक गए हैं तो इसमें अब हम मसाला ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून से कम यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया हल्दी पाउडर, वो भी हम इसमें मिलाएंगे। हल्दी पाउडर मैंने कम ही मिली है क्योंकि जब खिचड़ी को हमने बॉईल किया था तभी हमने उसमें ऐड कर दी थी। थोड़ा सा हम लेंगे नमक, वो भी हम कम ही मिलेंगे, हम पहले से डाल चुके हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमको कम फ्लेम पे इनको पकाना है। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब खिचड़ी को हम इसमें ऐड करेंगे।
अब मैं खिचड़ी को इसमें ऐड कर देती हूँ। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो या फिर खाना बनाने की इच्छा नहीं हो तो इस तरह टेस्टी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और धनिया पत्ती से हम इसकी गार्निश करेंगे। अब खिचड़ी को हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। एक बार आप खिचड़ी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, यकीन मानिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।